प्राचीन देशों में गिना जाने वाला देश है। यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसी बड़ी घटनाओं के सबूत मिलते हैं। 1826 से पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ कभी किसी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ होगा। लोग गांव और बस्तियों में रहते हुए ही वक्त के साथ शहरों का निर्माण कर पाए हैं। लेकिन इस सभी बातों पर अंकुश लगाते हुए भारत की जमी पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे इतिहासकारों के होश उड़ गए। इन अवशेषों ने हमें मिस्र सभ्यता के साथ खड़ा कर दिया। आमतौर पर सभ्यताओं के अवशेष नदी के किनारे मिलते हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता तजला और फरात नदी के किनारे मिली और चीन की सभ्यता वेई नदी के किनारे पाई गई। इसी तरह भारत की 4,500 साल पुरानी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फूली फली और विकसित हुई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले इस सभ्यता के कुछ अवशेष 1826 एडी में भारत आए सर चार्ल्स मैशन ने आज के पाकिस्तान के कराची में खोजे थे और इसके बारे में उन्होंने अखबार की एक पत्रिका के माध्यम से जानकारी दी थी। बाद में 1893 एडी से 1856 एडी के दौरान कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तब इंजीनियर बाटन बंधु को जमी के नीचे पक्की ईंटों का समूह मिला जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बनाने में इस्तेमाल किया। इसी साल 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का इंस्पेक्शन किया और मैप तैयार किया। कनिंघम ही वो शख्स हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1861 में स्थापना की थी। इसी विभाग के प्रमुख पुरातात्विक सर जॉन मार्शल के साथ मिलकर भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने आधिकारिक तौर पर 1921 में हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू किया। 1922 में राख लदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदाड़ो में खुदाई का काम शुरू किया, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने पहली बार सिंधु सभ्यता का ढांचा सामने आया। इसके साथ ही दुनिया भारत की सदियों पुरानी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानती है। जब भारत में इतनी बड़ी सभ्यता उजागर हुई तो लोग इसमें रुचि दिखाने लगे। भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में इस सभ्यता के बारे में और शहरों की खोज होने लगी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय तक इस सभ्यता के 40 से 50 शहरों की पहचान हो चुकी थी और आज तक हम 1500 शहरों की खोज कर चुके हैं, जिसमें से 925 शहर भारत में मिले हैं और 575 नगर सीमा के उस पार पाकिस्तान में मिले हैं। यह सभ्यता 3 देशों तक फैली हुई है, जिसमें तीसरा देश है अफगानिस्तान। इसके 2 नगर अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह सभ्यता कितने बड़े लेवल पर फैली हुई थी। अगर हम दिशाओं के आधार पर सीमाओं को देखें तो भारत के नॉर्थ साइड जम्मू कश्मीर के पास मिलता है मांडा नगर, साउथ में महाराष्ट्र के पास दायमाबाद, ईस्ट में उत्तर प्रदेश के पास आलमगीरपुर और वेस्ट में बलूचिस्तान के पास सुतका गेंदोर नगर। कुल मिलाकर 13,00,000 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के एरिया को मिलाएं तो उससे भी कहीं अधिक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हो रखा था। सभी आर्कियोलॉजिस्ट की इस सभ्यता के जन्म और अंत को लेकर अलग अलग राय हैं। सर जॉन मार्शल इसकी समय अवधि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी बताते हैं। वहीं कार्बन डेटिंग के आधार पर सर डीपी अग्रवाल ने इसकी समय अवधि 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक मानी है, लेकिन ज्यादातर यह माना जाता है कि 2500 बीसी में इस सभ्यता का निर्माण हुआ और 1750 बीसी में इसका अंत हो गया। लेकिन इस सभ्यता का निर्माण किसने किया? भारतीय पुरातत्वकों का मानना है कि सभ्यता का निर्माण भारतीयों ने ही किया था, लेकिन विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इन शहरों का निर्माण किया, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं हैं। यह उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी जिसके सबूत खुदाई में मिले अवशेषों से मिलते हैं, जैसे इन्हें लिपि यानी लिखने का ज्ञान था।
इनकी अपनी भाषा थी। इन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर पीतल की चीजें बनाई थी। खुदाई में मिले तराजुओं से पता चलता है कि इन्हें नाप तोल की भी समझ थी। यहाँ तक कि यह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना भी जानते थे। यह भी सामने आया है कि सिंधु घाटी के लोगों को मैथ्स की भी समझ थी, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े और विशाल भवनों का निर्माण किया। इनकी ईंटों के साइज भी एक ही तरह के थे, मानो किसी एक जगह पर ईंटों का निर्माण होता हो, जैसे आज के समय में ईंटों के भट्ठे लगे होते हैं। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिलता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदारो नगर। यह इस सभ्यता का सबसे वेल प्लान्ड और क्रिएटिव शहर है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन भारत में भी इस सभ्यता का एक बड़ा शहर है, राखी गढ़ी, यह हरियाणा में पाया गया था। वहीं इस सभ्यता के सबसे ज्यादा शहर गुजरात में मिले हैं। यहाँ की लोथल नगरी बंदरगाह की तरह थी, जहाँ से समुद्री व्यापार किया जाता था। यहाँ ज्यादातर नगर दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, अपर टाउन जो वेस्ट चोटी पर है और लोअर टाउन जो ईस्ट चोटी पर है। अपर टाउन जहाँ अमीर लोग रहते होंगे और लोअर टाउन जहाँ किसान, मजदूर और आम लोग रहते होंगे। इसके बारे में पता चलता है टाउन की बनावट से। वेस्ट चोटी पर पक्के और बड़े भवन पाए गए हैं, जिसके चारों तरफ शहर पनाह बनी है। वहीं ईस्ट चोटी पर छोटे और मिट्टी के घर बने हुए हैं और उनके चारों तरफ बाउंड्रीज भी नहीं है। लेकिन गुजरात में एक नगर ऐसा मिला है जिसमें नगर दो की जगह तीन हिस्सों में बटा हुआ है। इसे मिडिल टाउन का नाम दिया गया है। माना जाता है कि इस हिस्से में व्यापारी वर्ग रहते होंगे। यहाँ रास्ता स्क्वायर में बने हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। साथ ही मेन रोड 10 मीटर तक चौड़ा और उससे जाती छोटी गलियों के रोड 4 मीटर तक चौड़े हैं, जैसे आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है। वहीं फ्लोर वाइज कमरों का निर्माण किया गया है। हर घर में एक कुआं, टॉयलेट और गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बनी हुई हैं, जो बाहर से होते हुए मेन नाले में जाती है। इस सभ्यता में उस समय ही नहाने के लिए विशाल स्विमिंग पूल, सभाओं के लिए विशाल भवन और अनाज के भंडार होते थे। यह लोग गेहूं, जौ, राई, सरसों, तरबूज, खरबूजा और चावल का उत्पादन करते थे। साथ ही इनके आभूषण सोने, चांदी, सिप्पी, हाथी के दांत और शंख के बने होते थे। इनके कपड़े सूती, ऊनी और कढ़ाईदार पाए गए हैं। लेकिन इस सभ्यता की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई मंदिर या धार्मिक भवन नहीं मिला है, जिससे ऐसा माना गया कि यह लोग खेतों में पूजा करते थे और प्राकृतिक चीजों को पूजते थे। वहीं दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खुदाई के दौरान कोई भी हथियार भी नहीं मिले। इससे पता ये चलता है कि यह लोग विकास और प्रगति को मान्यता देते थे। इस सभ्यता के बारे में इतिहासकार खोज में लगे हैं। वहीं अगर एक बार इनकी लिपि समझी जा सकी तो इस सभ्यता के विकास से जुड़े और राज खुल सकते हैं।